नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने कार की व्हील को चेंज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो जैक होता है, आपके पास कोई ना कोई जैक होगा जो कार के साथ मिला होगा, या तो आप अलग से खरीदे होंगे। हमारे पास जो जैक है वो स्क्रू जैक है, उसको हम जो टायर पंचर हो गया उस व्हील को निकालना है। तो उसके हम जस्ट नीचे जिस तरह हम लगा रहे हैं इस तरह लगा देते हैं। इसके बाद स्क्रू जैक को ऊपर उठाते हैं, जिससे कार की जो व्हील रहेगी वो भी ऊपर उठेगी। जैक लगाइए ज़रूर। अगर आपके पास जैक ना हो, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है टायर चेंज करने में, इसके लिए आप को नीचे कम से कम ईंट तो लगा ही लीजिए। लेकिन ईंट क्या होता है कि ईंट लगाने से दिक्कत आ सकती है कि वो कभी भी गिर सकता है, उसमें उतने गिर सकता है जिससे आप चोट लग सकती है। तो जैक ही सही है, तो आप जैक लगा लीजिए ऊपर और इसको व्हील को ऊपर उठा लीजिए जैक की मदद से। जब जैक की मदद से व्हील ऊपर आ जाए तो व्हील को अब हम ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए, आपके पास कोई ना कोई रिंच ज़रूर होगा व्हील को खोलने के लिए, उसकी मदद से आपको व्हील को खोल लीजिए। ध्यान रखिए, अगर उसमें बहुत टाइट रहेगा तो वो खुलेगा नहीं, तो आप उसमें व्हील जो आपके पास जो भी रिंच है उसमें और बड़े डंडे लगा दीजिए। और जब व्हील ओपन हो जाए तो एक बार चेक कर लीजिए कि हवा है कि नहीं है स्टेपनी में। जो नई स्टेपनी आपको लगानी है, मतलब जो नई व्हील जो बना के रखे हैं या आपके पास जो अवेलेबल है उसको आप चेंज करेंगे ना, तो उसमें एक बार चेक कर लीजिए कि हवा है कि नहीं है, क्योंकि लंबे टाइम तक स्टेपनी को रखने से भी उसकी हवा निकल जाती है। तो आप चेक कर लीजिए, और ना हो तो हवा भरवा लाइए, या घर पे अगर साइकिल वाला पंप है तो उसकी मदद से भी कर सकते हैं। ये आपके पास जो है ये ड्रम ब्रेक है, इसमें आपके पास दो पाइप लगी हुई है। ये वाली जो पाइप दिख रही है पतली सी, वो ऑयल पंप ऑयल के लिए है, और ये वाला जो है वो हैंड ब्रेक का आता है, ठीक है। ये हाइड्रोलिक ब्रेक की तरह से होता है। अब हम नई स्टेपनी इसमें हम लगा देंगे, नई व्हील लगा देंगे, और जिस मेथड से हम ओपन किए तो उसी मेथड से इसको क्लोज भी कर देंगे। इस तरह से आप आसानी से स्टेपनी घर पे ही लगा सकते हैं, नई व्हील घर पे ही लगा सकते हैं। पंचर हो जाने से एक काम करिए, जो पंचर हो जाती है व्हील उसको आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं नई स्टेपनी लगा के। और इसको या तो अगर आपके पास स्टेपनी भी नहीं है तो आप घर पे खोल लीजिए और दुकान पे जाइए, पंचर बनवा के लाइए बाइक से और वापस इसको लगा लीजिए। लेकिन आपके पास एक इमरजेंसी में स्टेपनी ज़रूर होनी चाहिए जो बहुत ही काम आती है। तो उसके बाद तो उसको टाइट कस दीजिए और ध्यान रखिए टाइट कसिएगा, नहीं तो ये ओपन हो जाएगा और जिसे एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए आपको टाइट कसना बेहद ज़रूरी है। अगर घर पे कसते हैं तो